ये फोर्ट का दूसरा द्वार है, इतना बड़ा है ये। जय विजय द्वार लिखा हुआ है नाम यहाँ पे। दरगाह शरीफ दरगाह ही है, एंट्री गेट है दरगाह का, और अंदर की साइड में दरगाह बनी, इधर की साइड में ये जलकुंड बना हुआ है। Hey guys, welcome back to my channel। तो बहुत दिनों के बाद वापस से आप लोगों से मुलाकात। टूटी रानी का महल जो काकरोली में NH8 हाईवे से लगकर है, ये पीछे की साइड में ये हाईवे है, मेन हाईवे है, और ये ऐसी साइड में घाटी बनी हुई है जो हमको ये पूरी घाटी चढ़ानी पड़ेगी। गाड़ी काफ़ी ऊपर है, वो महल नौ चौकी के किनारे बना हुआ है। इस महल का कंस्ट्रक्शन जो था ना महाराणा राज सिंह फर्स्ट, जिनका कार्यकाल था 1629 से लेकर 1680 के बीच में, उन्होंने 1652 से लेकर 1660 के बीच में राजसमंद लेक और इस रूठी रानी के महल का निर्माण किया था। तभी अपन उस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। जब भी कोई रानी रूठ जाती थी तो इधर आके रहती थी, तो उस महल को देखने के लिए जा रहे हो। देखते हैं उस महल के अंदर क्या क्या है, फटाफट से चलते एक बार रूठी रानी के महल पे। अभी 3 बज रही है पर बहुत देर से बारिश हो रही थी, अब जाके बारिश स्टॉप हुई है, तो अभी भी अंधेरा अंधेरा जैसा है, मतलब इतना कोई उजाला नहीं, खुला नहीं है मौसम। एक बार फटाफट से ऊपर की साइड में चलते ताकि बारिश वापस ना आवे। पूरा महल वहाँ पे, ये रहा पूरा महल, तो अपन को वहाँ टॉप पे जाना है। और ये रहा रास्ता, कुछ इस टाइप का है, पूरा रास्ता काफ़ी सुंदर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं चढ़ाई में। तो अभी इस वाले रूट से आए थे, यहाँ पे पार्किंग के सब देखूंगी। अब हमको ठेठ ऊपर जाना है वहाँ पे, तो ये चल के जाना है। और ये राजसमंद लेक है, दिख रहा हो हल्का हल्का सा, क्योंकि धुंध बहुत हो रही है, फॉग बहुत हो रहा है अभी। यहाँ ऊपर की साइड में अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, ये रास्ता है, और ये उसके सारे सूचना है, वेडिंग फोटोग्राफी निषेध और ये सब। कमरा है खराब हो रखा, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये फर्स्ट पुल है जिसका नाम है गणेश पुल, ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा इनक्रेविंग नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये रीस्टोर्ड है, ये रीस्टोर्ड ही दिख रहा है। ये हम लोग ऊपर आ गए, ऊपर आते ही यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी और हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ये गणेश जी और ये हनुमान जी यहाँ पे बना हुआ। अब ये मेन माता जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता जी का। तो अब अंदर यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है वीडियो और फोटो का, लेकिन अंदर जाके मैं यहाँ के पुजारी से पूछ लेता हूँ, अगर अंदर वीडियो ले सकते होंगे तो अंदर का लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ये मंदिर का चौक है पूरा का पूरा, ये पीछे एंट्रेंस है, इसके आगे मोबाइल अलाउड नहीं, यहाँ पर आप लोग वीडियो या फोटो ले सकते हो। ये पूरा ऐसा चौक बना हुआ है मंदिर के अंदर का, ऊपर जाना निषेध है, ऊपर है, इसके आगे 2 मंजिल और है वहाँ जाना निषेध है। और इधर की साइड में ये जलकुंड बना हुआ है, इसका नाम कमल चौक है, पीछे की साइड में जो बना हुआ है ना। तो अभी एक बार ये भी अंदर से एक्सप्लोर करते कि इसके अंदर क्या क्या है। ये कमल चौक है, ये कमल चौक है, देखो ये कमल चौक है, चमड़े का बेल्ट यहाँ उतारें, यहाँ लिखा हुआ है अंदर नहीं ले जा सकते। ये तो नया गेट है, इसके अंदर का कुछ है नहीं, लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर तो जा नहीं सकते। यहाँ पे भंडार के हिसाब से सब रखा हुआ रहता है, अन्नपूर्ण भंडार, और एक ये गेट है
यहाँ जाना भी मना है, ये ऐसा है। अभी उधर एक जलकुंड बना हुआ है, वो देखते हैं। ये देखो एक जलकुंड है, इस टाइप का बना हुआ है। यहाँ से पानी की व्यवस्था होती है, पूरा पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ पानी। तो ये जलकुंड है पुराने जमाने का, अभी तो मोटर से निकालते, पहले कैसे भी निकालते होंगे, क्योंकि ये 1660 का बना हुआ है पूरा का पूरा ये महल, तो उस टाइप का है ये। तो महल में ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले ये मंदिर था, तो मंदिर को अपने कुछ इस तरीके से एक्सप्लोर किया। अभी नीचे देखते हैं अब फोर्ट में क्या क्या एक्सप्लोर करने का, क्योंकि आसपास दीवारें काफ़ी फैली हुई है, दूर तक जा रही, तो एक बार फोर्ट की दीवारों पर चल चल के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं अपन और क्या क्या है उसमें और कुछ एक्सप्लोर करने का। अब देखो यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, ये पहाड़ों पर जो भी फोर्ट बने हुए उनका व्यू देखो, ये पूरा लेक बना हुआ है, ये पूरा ठेट एंड तक लेक है, राजसमंद झील। ये देखो राजसमंद झील, और ये पूरा ऐसा दिख रहा है, इतना सुंदर है, ठेट दूर तक पूरा कांगड़ोली नज़र आ रहा है। ये फ्रंट साइड है, यहाँ से हम लोग चढ़े थे, अब बैक साइड से भी देखेंगे व्यू कैसा है। पर जो भी फोर्ट पहाड़ के ऊपर बने रहते हैं उनका व्यू इतना सुंदर होता है, और ये खासकर लेक के पास बना होता है, इतना सुंदर है ये व्यू। बढ़िया बनाया था पर लोगों ने करस्ता नहीं कर दिया, लव इज नॉट रियल। अरे अरे ये तो पेंट करके चले गए, इतना सुंदर बना रखा है यहाँ पर, उठा लिया जाए जैसा है यहाँ बाद में बना, बाद में बना ना, दिख रहा है तो मार देता है। पुराने पत्थर तो ये रहे, प्री वेडिंग के लिए बना हुआ है, पुराने पत्थर तो ये रहे। क्या व्यू है यहाँ से कांगड़ोली का, जोरदार। तो ये इस महल का पीक है, टॉप पे हम खड़े हुए हैं, ये आर्टिफिशियली बना रखा है, जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आते हैं उनके लिए ये बना रखा है। पर अभी बादल की वजह से इतना सुंदर व्यू लग रहा है पीछे, इतना देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बैक साइड में चल के देखते हैं फोर्ट के बैक साइड में कि क्या क्या है वहाँ पर। तो अब ये वे बना रखा है पीछे की साइड से, यहाँ से सब जा रहे हैं, इस वे पे चलेंगे पूरा ही, वहाँ से दीवार दीवार क्रॉस करते हुए जाते हैं और देखते हैं बैक साइड का व्यू कैसा, और बैक साइड में वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह है या कुछ है क्या, वहाँ कोई कमरे वमरे बने हुए हैं जो अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना फोर्ट है ना, तो इसको थोड़ा तो इन्होंने रिकवर कर दिया, मतलब कि थोड़ा तो इन्होंने रिपेयर कर दिया है। तो अब देखते हैं, जैसे ये दीवारें हैं तो ये दीवारें हैं तो पुराने टाइम की है, इसका कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन पे सीमेंट वगैरह लगाया हुआ है, तो सीमेंट ये जो है ये तो अभी के ही लगे हुए हैं क्योंकि ऐसे दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या, यह भी एक स्पॉट है, यहाँ पर भी खिंचवा सकते हो। देखो अभी एक और स्पॉट पर आ गए हम, यहाँ से व्यू ऐसा है पूरे शहर का, ये पूरा शहर का व्यू दिख रहा है यहाँ से। वहाँ पर तो आर्टिफिशियली बना रखा था और ये पूरा ऐसा बना हुआ है, तो ये वहाँ से हम लोग चल के आए थे, ये एक स्पॉट बना हुआ है ऐसा एक, और यहाँ से भी सेम ही व्यू है पर ये थोड़ा सिटी की तरफ है, और वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है लेक के साइड में। अगर मैं मंदिर पे जूम करके बताता हूँ, रुको इसमें नहीं दिख रहा है, देखो अब आपको जूम होने के बाद यहाँ पर एक मंदिर नज़र आ रहा होगा, वो लेक के पास में बना हुआ मंदिर है, और ये सिटी का कुछ ऐसा व्यू है। एक और स्पॉट हो रहा कोने में, वहाँ पे भी मार्बल का वो आर्टिफिशियली बना हुआ है, रुकने के हिसाब से बना रखा है, फ़ोटो के हिसाब से बना रखा है, वो पता नहीं। ये एक थर्ड स्पॉट है ये भी, यहाँ पर एक बेंच भी बनी हुई है मार्बल की, ये सब अभी बनाया हुआ है। ये देखो ये थोड़ा बड़ा स्पॉट है, यहाँ से भी वही है, देखो मार्बल की पट्टी अभी तक पड़ी हुई है ये, और
अब ये थर्ड स्पॉट है यहाँ की। ये वाली दीवार गायब है, ये वाली, ये पूरा नीचे खाई है। ये देखो यहाँ पे खाई है, और ये सिटी, एक बेंच, दूसरी बेंच, और ये आर्टिफिशियली यहाँ पे भी वैसा सेम मार्बल जैसा बना हुआ है। ये सब नया ही है। यहाँ पे ये मस्जिद या दरगाह है किसी की, किसी की साइड में ग्रीन ग्रीन है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। नौ चौकी कहलाती है ये, नौ चौकी कहलाती है, वो उधर मंदिर था, और ये यहाँ पे दरगाह बनी हुई है, और ये महल है। ये बीच में जो चौक था उसके अंदर अपन गए थे, और ये महल है रूटी रानी का, जो अभी बंद कर रखा है। इसके कमरों में नहीं जा सकते, ये जो कमरे बने हुए हैं ये बंद कर रखा है, पर ये रानी का मेन महल है। ये फोर्ट का दूसरा द्वार है, इतना बड़ा है ये, जय विजय द्वार लिखा हुआ है नाम यहाँ पे, ये देखो जय विजय द्वार। ये रोड है नीचे से लोग आने जाने के लिए, ये रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई सीसी रोड है। और ये है शायद से, क्या है ये देखते हैं, दरगाह शरीफ, दरगाह ही है। अंदर मैं मोबाइल नहीं ले जा रहा हूँ, दरगाह है, ये एंट्री गेट है दरगाह का, और अंदर की साइड में दरगाह बनी हुई है। ये दरगाह बनी हुई है जस्ट रूटी रानी के महल के पास में। अब अपन चलते उस महल के ऊपर की साइड में, ये महल है और यहाँ पे दरगाह बनी हुई है, तो अपन उस महल के अंदर से क्या आते, क्या है क्या नहीं है, जितना जा पाएंगे उतना जाके आते। ये महल है, उधर महल के अंदर एंट्रेंस थोड़ी किसी भी चीज़ का, वो ठीक है पर एंट्रेंस, एंट्रेंस एंट्रेंस थोड़ी है। और मेन महल ये रहा, इसकी एंट्री निषेध है, अगर एंट्री शुरू होती ना तो इसके अंदर जाके आते थे इन कमरों पे, पर एंट्री निषेध है। मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हैं यहाँ पे, ये कमरे, और ये खिड़कियाँ रिस्टोर्ड है, खिड़कियाँ अभी नई बनी हुई जालियों वाली। पर अपन वॉक अराउंड ले लेते आजू बाजू का इसका। नहीं इधर से कोई रास्ता नहीं है, बंद है, ये बैक साइड है, इसमें सर्वेलेंस लग रहे होंगे ना। ये है, ये पुरानी खिड़की ही है, ये भी पुरानी, ये सब रिस्टोर्ड किया। ये है जरोखे वाली खिड़की पुरानी, फिर उसके बाद इसको और रिस्टोर्ड किया, फिर ये देखो ये ऊपर की तो सब रिस्टोर्ड किया। ऊपर जाने का कोई वे दिख नहीं रहा है, टिकट ले लो बट यार मेंटेन करो, मेरा यही ओपिनियन है। अब अंदर कैमरा डाल के देखते तो है, कुछ मिलता है तो। इसके अंदर कुछ नहीं, वो एक खिड़की खुली हुई थी तो खिड़की के अंदर कैमरा डालने की कोशिश की थी, तो वहाँ तो अलमारी वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं भी यहाँ के लोकल्स इसको यूज़ करते होंगे, तभी वो अलमारी और उनके सामान पड़े हुए थे, तगारी वगैरह, तो इसको खोल के मेंटेन कर देते, टिकट लगा देते तो बेटर है, क्योंकि अभी तो जाने का कोई वे नहीं है। आगे भी एंट्रेंस देख लेते अगर इसका एंट्री कोई हो, क्योंकि वो इसके बीच में भी चौक में ही तो वो मंदिर बना हुआ था, जब मैंने मंदिर कैप्चर किया था। ये है दरगाह, मैंने आप लोगों को दिखाई दी,
और पर ये जिस लोकेशन पे बना और बारिश के बाद ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आप फोटो वोटो खिंचवाने आ सकते हैं, इतनी सुंदर लोकेशन है। ये आ गया वापस से, यही गेट है, फ्रंट गेट है, अन्नपूर्णा माता जी का यहाँ गए थे। गेट एक ही है, एंट्री इसकी है नहीं अंदर, ये पीछे की साइड में ये दोनों एंट्री गेट जिसपे लॉक लग रहा है, तो होगी किसी ना किसी लोकल के पास इसकी चाबी। मौका मिलेगा तो कभी ना कभी अंदर जाके भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो एंट्रेंस बंद है, तो अब नीचे चलते वापस अपने पार्किंग की तरफ। तो गाइस वापस से हम लोग पार्किंग स्पॉट पर आ गए हैं और ये था छोटा सा रोटी रानी का महल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।